हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे, तो मैंने कल आपको दिखाया था कि मैंने कुछ शीट मंगाई थी स्पेशली कि थोड़ा सा जो ये है इसका कलर चेंज करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अलग। उसमें ये थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था, हमने धूप में रख दिया था। तो ऑलरेडी गत्ते की अलमारी है और कभी भी गत्ते की अलमारी प्रेफर ना करें लेना, क्योंकि वो थोड़े टाइम तो सही लगती है लेकिन जब थोड़ा और टाइम हो जाता है ना तो वो ख़राब होने लग जाती है, जैसे ये हो चुकी है। तो अब ऐसे तो इसे रख नहीं सकते, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो मैंने इसका लिंक शेयर कर दूंगी, मैंने ये अमेज़ॉन से बाय किया था और इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो मैं इसकी बिफोर एंड आफ्टर दोनों आपको चीज़ें दिखाऊंगी। तो संदीप की हो रखी आज थोड़ी सी तबीयत डाउन, तो मैं और यशवी अकेले करेंगे ना। यशवी हाँ, तो यशवी और मैं करेंगे आज इसका पूरा लुक चेंज। थोड़ी संदीप अगर हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर वो हाँ बोले तो। सो गाइस, ये देखो ये कुछ इस तरीके से हुआ है। हाफ हाफ यहाँ पर हो चुका है और हाफ यहाँ करते हैं हम, और उसके बाद आपको कंप्लीट लुक दिखाते हैं इसका। सो गाइस, बहुत स्ट्रगल हो रहा है इस चीज को लेकर। यशु अपना कोई सामान ही नहीं दे रही हमको। यशु दियो, स्केल दियो। ये नहीं है, पहले इस पोर्शन को काट लेता हूं। मुझे यार गलत हो गया, गलत नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते संदीप। हमें ऐसे स्ट्रिप चाहिए जो ऐसे ऐसे पूरी लॉन्ग हो, और ये छोटी पड़ेगी बाद में। ऐसे इस पर थोड़ा तो करना पड़ेगा। पहले इसको काट दो, इसको लगा। मम्मी क्या हो गया? तो इसको तो हम ऐसे लंबे में तो काट सकते हैं। पापा 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 क्या हो गया? यश भी तो दे ही नहीं रही अपना सामान हमको। जल्दी ला। नहीं मैं नहीं दे रही, मेरा है वो। आप ऐसे मत करो ना, मम्मा पापा काम कर रहे हैं। नहीं मैं, हमें हेल्प नहीं चाहिए आपके, हमें पता है क्या हेल्प करते हो आप। प्लीज हेल्प करो मैम, टाइम हम ठंडे में बैठ जाए। सो गाइज, ये हो चुका है कंप्लीट, बस यहाँ पर रह गए पोर्शन। और आपको बता दूँ मैं, ये बहुत मज़ेदार काम है, अगर आपको करना चाहिए लेकिन मेहनत बहुत लगती है इस काम में। तो संदीप लगे हुए हैं अब इस, यहाँ पर देखते हैं। मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो गाइज, ये प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। 2 घंटे हमें इसे लग गए करने में पूरे तरीके से, लेकिन फाइनली ये हो चुकी है जो हम चाहते थे। हम इसे यहीं पे रख देते हैं जहाँ पर ये पहले थी, तो अब हम यहीं पे इसे रखने जा रहे हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। सो गाइज, ये हो चुका है कंप्लीट और अब हम आपको शाम को मिलते हैं, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में है माता की चौकी और हमारा खाना भी वहीं है सारी सोसाइटी वालों का। तो हम शाम को वहीं जाएंगे, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। और थोड़ा सा ये क्लीन भी करते हैं जो यहाँ पूरा फैल चुका है इसकी वजह से। और ये मैडम, मैं तो फ्रूट्स खाना चाह रही हूँ। यशवी के, यशवी ने देखो क्या कर रखा है इस घर का हाल, देख रहे हो आप तो। और ये थोड़ा हमने किया है।
सो आई हैव डन माय फेस क्लीनिंग. तो आज मैंने अपनी फेस क्लीनिंग कर ली है अच्छे से. आज उसका भी डे टडा. तो मैंने अपनी आईब्रो को शेव किया, अपर लिप्स, फॉरहेड एंड स्क्रबिंग, फेस स्क्रबिंग किया. तो मैं बता देती हूँ, मैं अपने आईब्रो को घर पे ही शेव देती हूँ दिस ट्विंकल रेजर. जैसे मैं अपनी आईब्रो को शेव देती हूँ, अपर लिप्स बनाती हूँ और महीने में एक बार अपने फेस क्लीनिंग का भी थोड़ा ध्यान रखती हूँ. वैसे मैं हफ्ते में स्क्रबिंग कर लेती हूँ, बट इस बार मेरा थोड़ा सा डिले हो गया था तो मैंने अब जाके कंप्लीट कर लिया आज. और थोड़ा फेस एकदम क्लीन लग रहा है आईब्रो बनाने के बाद, थोड़ा सा क्लीन लगता है. यशु और यशु के पापा का मन कर रहा है यप्पी खाने का. अब उनके लिए बनाने जा रहे हैं मैगी. इधर दिख रही हो, मैं नहीं बना रही तेरे लिए मैगी. पहले प्लीज बोलो मम्मा. मैंने पापा का बंडल बनाया, मैंने परेशान करा पापा को. हाँ क्यों? मम्मी इसके अंदर वो ब्लू वाला ही कलर डाल लो. आपने पापा को क्यों परेशान करा पापा मुझे बताओ. अरे मैंने उसके ज्यादा तुम क्या डाली डाली. मम्मी मेरा हो गया ठीक है, अब मैं खाऊंगी खीर. खीर नहीं खीरा. सो गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि हमारी सोसाइटी में आज माता की चौकी है, तो वहीं फंक्शन में जा रहे हैं. और यशवी को देखो हम रेडी हो गए. इसे बोल रही है उतार दे, उतार ही नहीं रही है, बस अपनी मर्जी है. और तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ. बस संदीप भी रेडी हो चुके हैं अपना. तो चलिए हम चलते हैं. तो गाइस ये पूरा फंक्शन अरेंजमेंट हुआ है. तो सब फंक्शन काफ़ी अच्छा है, अभी वहाँ जाके दिखाते हैं मैं आप लोगों को. हाँ पावन नवरात्रि चल रही है, तो जितनी भी संगत है सभी को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं. यशु को इतनी मस्ती सोच रही है, यशु हाथ ही नहीं आ रही भाई बिल्कुल भी. ये हाथ ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी. सो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और
जो जागरण था वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा आया हम लोगों को। और यशु अब इतनी थक चुकी है कि यशु को हम नींद आ रही है ना यशु? अब तो बहुत बुरी हालत हो गई यशु की। तो गाइज अब हो चुके हैं रात के 11। उनके साथ आप देख सकते हैं व्हाइट वार्डरोब ये है, एक कैबिनेट मेरी ये है, ये ब्राउन थी, ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था जो होम टूर दिया था कि मैं बहुत जल्दी इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी, तो मैंने इसे पूरा शीट लगा दिया इस कैबिनेट पे और ये अब बिल्कुल एकदम ढिनचैक हो चुकी है। बस अब ये बेड है, इस बेड के साथ अभी ये मैच नहीं हो रही, पर बहुत जल्दी इस बेड को भी करेंगे कुछ, इसका भी तिगड़म भिड़ाएंगे। और बाकी तो आप देख ही रहे होंगे लुक इस कैबिनेट का और यशवी की हरकतों का। मैं तो चुबाई चुबाई करूंगी। ठीक है ठीक है। सो गाइज अब सोने का टाइम होता है, फ्रेश होते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, सुबह से मैं इसमें लगी हुई थी और भी बहुत सारे काम थे, मैंने थोड़ा सा एक दो प्लांट्स भी लगाए। ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय करती है तो प्लीज़ गाइज आप यशवी की बात सुन लीजिए, गुड नाइट बोल रही है आप।